सब्सक्राइब कीजिए एक्सपर्टीज विद बीच चैनल को और बेल आइकन को दबा के हर एक नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाइए। Hey guys, ये Redmi 4S 2GB और 16GB ROM वाला वेरिएंट गोल्ड कलर का है। ये मैं कुछ दिन पहले मंगाया था, इसका अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था कि बॉक्स डायरेक्ट खोल के देख लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, सीपीयू परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी कैसा है, कैमरा और सब क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिखा देता हूँ, ये फोन फ्लैश सेल में मिलता है इसको। इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 599 और इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जिसका प्राइस है 699। उसमें आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा चॉइस है। बट अगर आपको फिंगरप्रिंट चाहिए तो आपके लिए रेडमी 4 बेटर ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले इसका क्विक स्पेक्स की बात कर लेते हैं। ये है आपका 5 इंच 720p HD डिस्प्ले। ये 2.5D गोरिल्ला ग्लास कुछ नहीं है। अब कितना एक्सपेक्ट करेंगे सेल पे, आपको यहाँ पे साइड में मिलेगा यहाँ पे पावर बटन, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। इस साइड आपको मिलेगा सिम ट्रे, आपके हाइब्रिड स्लॉट है और यहाँ पे आपको एयर ब्लस्टर, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और 3.5mm जैक। यहाँ पे माइक्रोफोन है, चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे ब्रांडिंग। और फोन काफी ठीक है यार, 6000 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। एटलीस्ट 4G फोन मिल गया आपको, कैमरा 13 मेगापिक्सल, बैटरी 3100 ऑलमोस्ट, वो सब कुछ सही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सीपीयूजी ऐप में इसके फीचर्स कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्टेक्स A51.4GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का ये प्रोसेसर है, क्वाडकोर है बेसिकली। और ये आप जीपीयू देख सकते हो एड्रेनो 308। तो ठीक है, आपको 5 इंच का डिस्प्ले 720p है, फुल HD नहीं है और स्क्रीन रेंसेज 293 है, ठीक ठाक है। रैम आपका है 2GB, उसमें आपको ओवरऑल मिल जाता है 1GB के करीब। मैं तो ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ इसलिए दिखाता हूँ। इसके आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1GB आपको फ्री मिल जाता है। फिर आप सिस्टम एंड्रॉइड वर्जन वॉशमल में MIUI 8.5 बेसिस है। बैटरी आपको पता है 3120mAh की बैटरी है, तो बैटरी काफ़ी इनफ है उस फोन के लिए। आपको 1 दिन मिनिमम आराम से चला जाएगा बिना एनी इशू। ये सब टेम्परेचर सेंसर भी है, बहुत कुछ सेंसर्स, ठीक है। तो ओवर इसके फोन की बात करें 6000 रुपये में एट दिस प्राइस रेंज, ये फोन काफी बेस्ट फोन हो। तो चलिए इसके प्रोस की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर है, एटलीस्ट मीडिया टेक आपको नहीं मिल रहा है। 6000 रुपये में ही आपको स्नैपड्रैगन मिल जा रहा है, जो कि मीडिया टेक से काफी बेटर है। मीडिया टेक का जो भी आपका मालिक का गेमिंग परफॉर्मेंस है, उससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि इसका एड्रेनो 308 का जीपीयू है। तो इसके बाद आपका बैटरी, ये बहुत ह्यूज बैटरी है, 3100mAh बैटरी है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। तो इस बैटरी से आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 1 दिन मिनिमम आपको हेवी यूजेस भी चला रहे हो, जियो चला रहे हो, फिर भी आपको 1 दिन तो विदाउट एनी इश्यू आपका आराम से चल रहा है। उसके बाद आता है ये 5 इंच का HD डिस्प्ले है। उसके बाद आपके आते हैं 13 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि आपको मैं यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। 6000 रुपये में आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है टेली फ्लैश। और फ्रंट कैमरा भी आपका 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, तो फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा है। 6000 प्राइस में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। और इसका जो दूसरा वेरियंट है, जो कि है आपका 32GB और 3GB रैम वाला वेरियंट, वो एक ठीक है, क्योंकि 7000 में आपको रेडमी 4 भी मिल जा रहा है। तो अगर आपको 4A का 32GB और 3GB वाला वेरियंट लेना है तब हाँ ठीक है, ले सकते हो आप। बट हाँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर रेडमी 4 ले लो 16GB वाला वेरियंट, तब आपको उसमें फिंगरप्रिंट मिल जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको फिंगरप्रिंट मेजोरिटी रखता है या फिर आपका स्टोरेज और रैम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि MIUI जो है उसमें कुछ अलग ही मिलता है। क्या अलग मिलता है, जैसे कि आपको डुअल एप्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, जो भी आपको डुअल करने हैं, जो भी एप्स, और सेकंड स्पेस जो कि आपको एक नया स्पेस बना के देगा जिसमें कोई एप्स नहीं रहेगा। ये सब चीज़ एक्चुअली है नया। और एडिशनल सेटिंग्स में क्या है, आपको दिखाए नोटिफिकेशन लाइट, इसको कंट्रोल कर सकते हो, कलर को ब्लू करना है, रेड करना है, पिंक करना है, येलो जो करना आप कर सकते हो। और जैसे कि एक चीज़ आपको पता है, यहाँ पे एयर ब्लास्टर मिलता है, जो कि हर एक फोन में नहीं आता, शाओमी के फोन में स्पेशली हर एक फोन में आ जाता है एयर ब्लास्टर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी आपका रिमोट ऑपरेटेड डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको आप बिना कोई प्रॉब्लम आप यूज कर सकते हो। ये MI रिमोट, इससे आप कर सकते हो, कोई भी आप रिमोट ऑपरेटेड डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना जरूरी है,
चलिए अब प्ले करके देखते हैं MC5 भी कैसा हैंडल करता है। जैसे आप अभी देख लिया थोड़ा बहुत लैगिंग हो रहा है, ये बहुत स्मूथली नहीं चल रहा है तो बहुत, लेकिन फिर भी चलना चाहिए था, लेकिन इतना स्मूथली नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत लैगिंग का आ रहा है इशू, तो आपने देख लिया होगा। अब चलिए खुले में जाके खेल के देखते हैं क्या होता है। अभी तो लैग किया था थोड़ा, आपने देख लिया था, अभी भी लैग कर रहा है। थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, अरे अच्छा नहीं लग रहा है करके। तो आप इतना एक्सपेक्ट मत करो कि आप MC5 की गेम भी खेल लोगे, इसमें कोई दिक्कत। तो जैसे कि आपने देखा MC5 में लैग कर रहा है, तो क्या करे, अब लैग करेगा। अगर आपका ये फोन MC5 खेलने के लिए नहीं होगा, आपको अगर कुछ अलग काम करना है, चलाना है, या फिर सेकेंडरी फोन आपको रखना है, तब ये सही होगा। गेमिंग के लिए ये फोन अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसमें लैगिंग हो रहा है। इसके आप डिस्कस करते हैं इसके कॉन्स के बारे में, इसका क्या क्या निगेटिव पॉइंट मुझे लगा। वैसे हालांकि निगेटिव पॉइंट बहुत कम है, अब क्या बोलेंगे Xiaomi को कि 6000 पे दे रहा है, ये भी दो वो भी दो, ऐसा नहीं होता यार। एटलीस्ट कितना कुछ दे रहा है, ये बहुत एक अच्छा बजट फोन है। सबसे पहली बात तो ये हाइब्रिड स्लॉट है, ऊपर से 16GB का स्टोरेज है, तो आपको मेमोरी कार्ड की जरूरत यहाँ पे पड़ेगा ही। अगर मेमोरी कार्ड डालना है तो आप एक सिम नहीं डाल पाओगे। अल्टीमेटली हुआ यही कि आप एक सिम चलाओ जियो, जो कि प्राइमरी हो गए आजकल सबके पास जियो है, और एक दूसरा मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगा दो, क्योंकि आप 16GB में आपको मिल जाता है 10GB, जो कि बहुत कम है। जैसे कि मैंने अभी बताया 16GB इंटरनल है, उसमें 10GB आपको मिलता है फ्री के लिए। अगर आप गाना डालते हो, वीडियो फोटोज खींचना है, एप्स डाल दो, तो ये आपका पूरा 10GB फुल हो गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा अभी ऑलमोस्ट अब बस 1GB खाली है, मेरा मेमोरी कार्ड नहीं लगा अभी, तो 10GB मेरा फुल। बस कुछ ऐप भी डाले हैं और कुछ नई फोटो, अभी तो नया फोटो भी नहीं डाले, बस हाँ ये हैवी गेम्स MC5 डाला हूँ बस। और एक बार यहाँ पे कॉन्स में रखे या क्या करें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट वाला बात, जो कि 6000 रुपये में आप इतना एक्सपेक्ट करेंगे, 6000 रुपये में फिंगरप्रिंट नहीं भी मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको अगर सिक्योर चाहिए ज्यादा तो आप 1000 बढ़ा के फिंगरप्रिंट वाला Redmi 4 ले सकते हो, विद 16GB और 2GB रैम, और ऊपर से आपको उसमें इससे बेटर सीपीयू मिल जाता है। तो यही है सिंपल इसका प्रॉस एंड कॉन्स। तो आप अगर मुझे पूछो कि ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि यार देखो 6000 रुपये है, 6000 रुपये में अगर आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो आपको इतना कुछ तो मिलेगा नहीं। अब 6000 रुपये में आपको स्नैपड्रैगन का सीपीयू एटलीस्ट मीडिया टेक नहीं मिल रहा है ना, आपको स्नैपड्रैगन मिल रहा है, और ऊपर से कैमरा 13MP, 4G और 5 इंच का स्क्रीन है। ओवरऑल आपको बताता हूँ, अगर 6000 रुपये आपको फोन चाहिए एक अच्छा सा बेस्ट, तो गो फॉर इट, क्योंकि आपको इतना अच्छा फोन नहीं मिलेगा 6000 रुपये। अगर आप दूसरे कंपनी में जाओगे तो मीडिया टेक का 6750 80, मीडिया टेक का वो पुराना प्रोसेसर आपको मिल जाएगा, हीटिंग इशू आ सकता है, इसमें ज्यादा हीट होता नहीं है, लेकिन 425 है तो थोड़ा सा हीटिंग आता है, लेकिन बिलो 45°C ज्यादा आता है, कोई दिक्कत नहीं, इस एरिया थोड़ा हीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको बस फिंगरप्रिंट से कोई लेना देना नहीं है, स्टोरेज और रैम से लेना देना है, तो इसका जो नया वेरिएंट आया रिसेंटली, जो आपका है 3GB रैम और 32GB इंटरनल, आप वो ले सकते हो, वो काफी अच्छा चॉइस रहेगा। तो आज वीडियो में इतना ही था, देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज लेके आता रहता हूँ और बहुत सारे फीचर्स भी लेके आऊँ, बस आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर। तो देखने में शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड।